हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पीसीए स्टार्ट किया था और हमने उसके पीछे का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन डिस्कस किया था कि पीसीए का एसेंस क्या है, पीसीए करना क्या चाहता है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेरिएंस क्यों इंपॉर्टेंट है पीसीए के लिए। और अब आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्रिएट करेंगे कि पीसीए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और फिर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं उस सॉल्यूशन को एक कोड के थ्रू आपको दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये लास्ट वीडियो में एस्टैब्लिश हो गया था कि पीसीए इज जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी ऑफ योर डेटा सेट। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाई डायमेंशन में डेटा है, आप उसको रिड्यूस करके लो डायमेंशन में ला सकते हो वाइल मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ योर डेटा। मतलब डेटा जो रिप्रेजेंट करना चाहता है वो रिप्रेजेंटेशन लोअर डायमेंशन में भी रहेगा। इसका मतलब जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लगाओगे लोअर डायमेंशन में, तब भी आपको उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको हायर डायमेंशन में मिलते थे। ठीक है, बट अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पीसीए मैथमेटिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्योंकि सी एट द एंड सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर मैथमेटिकल मॉडल्स, राइट? तो उनको एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए होता है जिसको वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और वही मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू कि एग्जैक्टली पीसीए में क्या हो रहा है। सो देखो, मान लो हमारे पास एक 2D में डेटा सेट है, ठीक है, और हमें इसको रिड्यूस करके 1D में लाना है। और हमारा जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, दिस इज आवर डेटा सेट इन 2D। और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंगल ऐसा एक्सिस फाइंड करना है जिसके ऊपर मैं अपने डेटा को प्रोजेक्ट कर पाऊं और मुझे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिले जितने मुझे 2D में मिल रहे हैं। आई गेस आप देख पा रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि वो शायद ये एक्सिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेरियंस है वो आपका इस एक्सिस पे ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आपका इन दोनों एक्सिस पे है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब पीसीए क्या सॉल्व करेगा वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक सिंगल पॉइंट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सो लेट्स से ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से एक पॉइंट ये है। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इट मींस इस पॉइंट का एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। एक और चीज गाइस, आप पॉइंट्स को हमेशा वेक्टर मान सकते हो। दिस एक्चुअली इज अ वेक्टर, ठीक है, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे इस वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है। सो ये जो लाइन है ये खुद भी तो एक वेक्टर ही है, राइट? और टू बी ऑनेस्ट, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे इस ये लाइन कितना लंबा है इससे मतलब नहीं है, मुझे बस इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। तो इन अ वे मुझे ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फिलहाल मैं मान ले रहा हूं कि ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज दैट यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं एक वेक्टर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर यू है और ये एक्स है। ठीक है, अब देखो गाइस, मुझे क्या करना है कि मुझे इस पॉइंट को इस वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, आपने शायद वेक्टर्स में प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। सो जब भी आप कभी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हो तो जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसे निकलता है, वो बहुत सिंपल है। आप ऐसे निकालते हो, यू डॉट एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू। ठीक है, मतलब ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये कोई वेबसाइट है, मैंने बस गूगल किया। यहाँ पर यू कैन सी, आप वेक्टर बी को वेक्टर ए पे जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका
जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे गवर्न होता है, ठीक है, ए डॉट प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब द गुड पार्ट इज कि हमारे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ यू, सिंस ये यूनिट वेक्टर है, इट वुड बी वन, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्शन है दैट विल बी यू टाइम्स एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो यू ट्रांसपोज एक्स। सो मतलब ये जो नया वेक्टर फॉर्म होगा एक्स के प्रोजेक्शन के बाद, इसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा जब आप यू को ट्रांसपोज करोगे, सी यू भी एट द एंड एक वेक्टर है इस 2D स्पेस में, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई, ठीक है। सो जब आप इस एक्स वाई और इस एक्स वाई को डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ये एक्स वाई है मेरा एक्स का, और ये एक्स वाई है मेरा यू का, और मुझे यू को ट्रांसपोज करना है, तो एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई, तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको एक्स वन इसको वाई वन बोलते हैं, इसको एक्स टू इसको वाई टू बोलते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू, और ये एक्चुअली एक स्केलर होगा, इट वुड बी अ नंबर। सो मैं बस ये बोल रहा हूं कि आपका जो प्रोजेक्शन होगा इस वेक्टर का, इस यूनिट वेक्टर के ऊपर, वो एक्चुअली एक नंबर होगा, दिस विल बी अ लेंथ, दिस विल बी अ डिस्टेंस, ठीक है, राइट। अब देखो इसी तरीके से और भी पॉइंट्स होंगे, और भी पॉइंट्स होंगे इस तरीके से, और मुझे हर पॉइंट को ऐसे ही प्रोजेक्ट करना है इसी तरीके से, और हर प्रोजेक्शन से मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर। सो यहां तक बात समझने का ट्राई करना कि हम हर वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हर इंडिविजुअल वेक्टर के लिए मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, विच इज बेसिकली गिविंग मी द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑन आर यूनिट वेक्टर यू, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे मुझे वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना है। मैंने आपको बोला था कि अब ये यूनिट वेक्टर तो कोई भी हो सकता है, ये भी यूनिट वेक्टर हो सकता था, ये भी यूनिट वेक्टर हो सकता था, कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता था। हम किस यूनिट वेक्टर को सजेस्ट, किस यूनिट वेक्टर को चूज करेंगे? हम उस यूनिट वेक्टर को चूज करेंगे जिसके लिए हमारा वेरिएंस मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको जल्दी से एक बार पहले बताता हूँ कि हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सेम एग्जाम्पल। सो फिर से सेम सब कुछ, ये मेरा वो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स वेक्टर है, और ये मेरा यूनिट वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मेरा वेक्टर है, और इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो एक्स डैश है, ये कैसे निकल रहा है, यू ट्रांसपोज एक्स से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस तरीके से, और जैसे ये अगर पॉइंट एक्स वन है तो ये यू टी एक्स वन होगा, सिमिलरली दूसरा कोई पॉइंट होगा वो यू टी एक्स टू होगा, और डॉट 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 इस तरीके से यू टी एक्स एन होगा। सो बेसिकली मुझे क्या करना है कि मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जब सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा तो मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। और वेरिएंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n, और आप क्या करते हो, आप निकालते हो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, ये एक्स आई क्या है, ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू टी एक्स आई, मतलब इनमें से कोई भी, ठीक है, माइनस एक्स बार क्या है, एक्स बार होगा जो आपके ओरिजिनल डेटा में, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो ओरिजिनल डेटा है इसमें कोई ना कोई पॉइंट आपका मेन पॉइंट होगा, जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा यू टी एक्स एम, बेसिकली प्रोजेक्शन का मीन, ठीक है। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे नीचे आना है और यहां पे लिख देना है यू टी एक्स बार मतलब मीन, और इसको स्क्वायर कर देना है, और सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय n, ये है मेरा वेरिएंस ऑन दैट
यूनिट वेक्टर, जब मैंने सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया मेरे यूनिट वेक्टर पे, तो ये उसका वेरियंस है। अब बस मुझे मैथमेटिकली क्या करना है, पीसीए को यूज करके मुझे उस यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, मुझे उस यू को फाइंड करना है जिसके लिए ये जो पूरा क्वांटिटी है ये मैक्सिमम हो। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइन यूनिट वेक्टर तो कोई भी हो सकता था, कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता था, और आप एक्चुअली सबके ऊपर प्रोजेक्ट कर करके चेक भी करोगे, बट आपको वो पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए जिसके ऊपर इन सारे पॉइंट्स को जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उन प्रोजेक्शंस का जो वेरियंस है वो मैक्सिमम। मतलब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ, मतलब आई थिंक शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, सो लेट मी क्विकली शो यू। मान लो अगर आपके आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स होते ये दो पॉइंट्स होते और आपने ये यूनिट वेक्टर लिया होता, तो ये एक प्रोजेक्शन आता, ये एक प्रोजेक्शन आता, तो आपका वेरियंस कुछ इतना होता प्रोपोर्शनल टू दिस। बट अगर आप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते तो आपका प्रोजेक्शन बस इतना आता, इतना कम डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन बेटर है ना, बट ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है, ये हमें निकालना है। चलो ये वाला तो क्लियरली रिजेक्ट हो गया, बट इन तीनों में से बेटर कौन है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी हमने निकाला इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसी को सॉल्व करके पीसीए हमें वो डायरेक्शन देगा जहां पे आपको मैक्सिमम वेरियंस मिलेगा। ठीक है, सो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू डू इज पीसीए को क्या करना है, पीसीए को एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसके लिए इस पूरे टर्म का वैल्यू मैक्सिमम हो। यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस एंटायर वैल्यू, और जो यूनिट वेक्टर ये करके देगा उसी यूनिट वेक्टर को मैं चूज करूंगा। ठीक है, तो अब ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया। अभी हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं किया है, हम लोग कुछ वीडियोस के बाद इसके बारे में बात करेंगे, और एनीवेज इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, यहाँ पे आपको थोड़ा हाई लेवल मैथ्स लगता है और वो अभी इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि जब लोगों ने इसको सॉल्व किया तो क्या सॉल्यूशन निकला, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करने के पहले आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एक कोवेरियंस क्या होता है, दूसरा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज क्या होता है। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कोवेरियंस। सो गाइज नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोवेरियंस एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, सो हमने मीन के बारे में पढ़ा कि मीन इज बेसिकली द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंटर कहाँ पे है ये बताता है मीन। बट अगर आप इन दोनों डेटा सेट्स के ऊपर बात करो तो इन दोनों का मीन एग्जैक्टली सेम है। मतलब मीन को यूज करके आप डेटा कितना स्प्रेड आउट है ये नहीं बता सकते, और फिर इसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियंस आया। ठीक है, बट वेरियंस का भी एक प्रॉब्लम है, वेरियंस अगर आप चाहो तो हमेशा एक ही एक्सिस पे निकाल सकते हो। मतलब मान लो ये आपका डेटा है, लाइक दिस इज योर डेटा, राइट। अब इसका वेरियंस जो है वो एक्स एक्सिस पे अलग निकलेगा, वाई एक्सिस पे अलग निकलेगा। सो एक्स एक्सिस पे इट वुड बी समवेयर अराउंड दिस, और वाई एक्सिस पे समथिंग लाइक दिस, राइट। तो वेरियंस हमेशा आपका एक सिंगल एक्सिस का मैट्रिक है, बट वेरियंस कभी भी ये नहीं बताता कि एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, या फिर अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। मतलब वेरियंस का प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से हमारे पास ये डेटा है और फिर ये डेटा है, ठीक है, मान लो ये माइनस वन कॉमा माइनस वन है, ये जीरो कॉमा जीरो है, ये माइनस वन सॉरी ये वन कॉमा माइनस वन है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज और मैंने यहां पे भी गलती किया, दिस शुड बी ओनली माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन,
ये हो जाएगा 1,1, ठीक है, और ये 0,0। सो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों ही डेटा सेट्स में वेरियंस सेम आएगा, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 1 का स्क्वायर और ये 0 + 0, मतलब बेसिकली दोनों डायरेक्शन में आपका वेरियंस सेम आएगा, ठीक है, दोनों ही डेटा सेट्स के लिए, मतलब ये डेटा सेट और ये डेटा सेट अकॉर्डिंग टू वेरियंस सेम है, बट ऐसा है नहीं, दोनों डेटा सेट्स बहुत अलग है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जो एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है वो बता पाए, तो यहीं पर कोवेरियंस आता है। कोवेरियंस आपका डेटा में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है। कैसे निकाला जाता है, आप बेसिकली एक्स वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हो। जैसे अगर आप इस वाले डेटा सेट का कोवेरियंस निकालोगे तो -1 × 1 - 1 + 0 × 0 = 0 और 1 × -1 विल बी -1 / 3, मतलब -2/3। वेर एज यहां पर अगर आप देखो तो इट वुड बी दिस 1 × 1 = 1 + 0 × 0 + -1 × -1 = 4/3। इज इक्वल टू 4/3। सो यू कैन सी यहाँ पे कोवेरियंस, आई एम सॉरी, दिस शुड बी 2, ठीक है, कोवेरियंस दोनों का अलग आ रहा है। सो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्योंकि ये जो कोवेरियंस है ये पॉजिटिव है, मतलब ये बोल रहा है कि आपका जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वाई बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपका कोवेरियंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है आपका वाई घट रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कोरिलेशन। अगर आपने कभी कोरिलेशन पढ़ा है, कोरिलेशन और कोवेरियंस सेम चीज होता है, बस कोरिलेशन को आप -1 से 1 के रेंज में रोक देते हो, कोवेरियंस के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। तो कोवेरियंस अगर मैं समराइज करूं तो इट्स दिस स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी जिसको यूज करके आप आपका जो डेटा है वो एक दूसरे पे, लाइक जो एक्सेस है वो एक दूसरे के साथ कैसे चेंज कर रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं ये बताता है, ठीक है। अब एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो मान लो आपके पास एक डेटा है जहां पे आपके पास x1 x2 दो कॉलम्स है, 2D डेटा है लाइक दिस। इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे निकलता है, इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ 2×2 मैट्रिक्स, जहां पे आपका यहां पे आ जाएगा x1, यहां पे आ जाएगा x2, यहां पे भी आ जाएगा x1, यहां पे भी आ जाएगा x2, ठीक है। अब यहां पे आप निकालते हो कोवेरियंस बिटवीन x1, x1, यहां पे आप निकालते हो कोवेरियंस बिटवीन x1, x2, यहां पे आप निकालते हो कोवेरियंस बिटवीन x2, x2, और यहां पे आप निकालते हो कोवेरियंस बिटवीन x2, x1। अब आपको ये मैं बता देता हूं कि कोवेरियंस x1 with x1 इज एक्चुअली वेरियंस ऑफ x1, तो आप इसको रीराइट कर सकते हो वेरियंस ऑफ x1। सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ x2 with x2 इज एक्चुअली वेरियंस ऑफ x2, और बाकी यहां पे कोवेरियंस ऑफ x2, x1 एंड कोवेरियंस ऑफ x1, x2। एक चीज और कोवेरियंस के बारे में कि कोवेरियंस ऑफ a, b इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ b, a। सो बेसिकली ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये दोनों सेम है। सो अब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल आइटम्स होते हैं वो आपके वेरियंस होते हैं हर इंडिविजुअल कॉलम के, और जो आपके मतलब जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके कोवेरियंस होते हैं बाकी दोनों के बीच में, ठीक है। ये सेम चीज आपका 3 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। सो यहाँ पे आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ जेड, यहाँ पे आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई,
कोवेरियंस ऑफ एक्सेट, कोवेरियंस ऑफ एक्सेट, ठीक है। सो अगेन ये वाला चीज आपका तीनों वेरियंस आ गया, और इस तरफ ये सिमेट्रिकल है, लाइक दिस इज सिमेट्रिकल, जो इस साइड है वही इस साइड है, ठीक है। नाउ यू माइट थिंक कि कोवेरियंस मैट्रिक्स का क्या खासियत है, कोवेरियंस मैट्रिक्स का क्या खासियत है। सो कोवेरियंस मैट्रिक्स जो होता है वो आपका बहुत स्पेशल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे एक्सिस पे स्प्रेड बताता है, क्योंकि इसमें हर एक्सिस का वेरियंस होता है। हर एक्सिस का वेरियंस का मतलब हर एक्सिस पे स्प्रेड कितना है, ठीक है, ये बताया जाता है। और फिर आपको ये भी बताया जाता है कि किसी भी दो पेयर ऑफ एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। अगर दोनों के बीच का रिलेशनशिप एज इन कोवेरियंस पॉजिटिव है तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। तो एक कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको आपके डेटा का कंप्लीट नॉलेज देता है, स्प्रेड भी बताता है और ओरिएंटेशन भी बताता है, ठीक है। कोवेरियंस ओरिएंटेशन बताता है। एक और चीज मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में शायद कुछ गलती कर दिया है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको एक बार अच्छे से, मान लो आपके पास एक्स वाई और जेड तीन कॉलम्स हैं, तो आपका 3D में कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसा होगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा बढ़िया लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका वेरियंस ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा वेरियंस ऑफ वाई, यहाँ पे आएगा वेरियंस ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेरियंस ऑफ, सॉरी नॉट वेरियंस, को वेरियंस ऑफ वाई कॉमा एक्स, क्योंकि ये वाई यहाँ से आ रहा है, एक्स यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे आएगा को वेरियंस ऑफ जेड कॉमा एक्स, यहाँ पे आएगा को वेरियंस ऑफ जेड कॉमा वाई, यहाँ पे आएगा को वेरियंस ऑफ वाई कॉमा जेड, यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। एंड यू कैन सी कि ये मिरर इमेज है, मतलब दिस थिंग विल एक्ट एज अ मिरर, और उसके चारों तरफ ये जो पार्ट है ये एकदम सिमेट्रिक है, दिस पार्ट इज सिमेट्रिक, और ये कितने भी डायमेंशन में ट्रू रहता है, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि कोवेरियंस मैट्रिक्स इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि ये आपको आपके डेटा के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेरियंस वाले टर्म्स सारे एक्सिस पे आपका डेटा कैसे फैला हुआ है ये बताते हैं, और आपके जो कोवेरियंस वाले टर्म्स हैं ये आपको बताते हैं कि आपके डेटा का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आइगन डीकंपोजिशन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब कि आप जब अपने कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालते हो तो क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो पीसीओ को अपना काम करने में बहुत हेल्प करता है, इट्स आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आई गेस आपने नाम सुना होगा अपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में, स्पेशली जब आप मैट्रिसेस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप इसको यूज करते हो, बट आई एम नॉट श्योर इस पॉइंट पे आपको इसका आइडिया है कि इसका कोर इंट्यूशन क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन कि आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, और फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि पीसीए में इन दोनों का क्या काम है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करते हैं। सो हम सभी ने मैट्रिसेस देखा है, राइट, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत कम ही स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इंट्यूटिव लेवल पे पता है कि मैट्रिसेस क्या करते हैं। सो अगर मैं आपको बहुत इंट्यूटिव लेवल पे बताऊं तो मैट्रिसेस आर बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब कि अगर आपके पास लेट्स से एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट, खूब सारे पॉइंट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बनता है, हर पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे ये 1 1 हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है, ये 1 3 हो सकता है, और ईच पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। सो बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स, राइट। अब जैसे आप इसके ऊपर एक मैट्रिक्स अप्लाई करते हो, ये मैट्रिक्स क्या करता है, इस
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है कि आपके सारे वेक्टर्स ऐसे हो जाएं, मतलब पहले अगर इस तरीके से सारे वेक्टर्स थे, ग्रिड फॉर्म कर रहे थे, तो हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ऐसे घूम जाए। ठीक है, और भी अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, आपका स्ट्रेच हो जाए, घूम करके स्ट्रेच हो जाए, या स्क्विश कर जाए, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अब द थिंग इज कि ये बहुत इंट्यूटिव चीज है, ये आपको देख करके ही समझ में आएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू दिस टूल। ये टूल मुझे मिला ऑनलाइन, और यहाँ पर आई विल शो यू कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और आप उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, ये है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन 2011, और मैं दोनों साइड ग्रिड्स दिखा रहा हूँ। तो यू कैन सी कि जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये वेक्टर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर आप इस वेक्टर का बात करो तो ये वेक्टर इस नए ट्रांसफॉर्म स्पेस में यहां पर होता। अगर आप इसका बात करो, ये वेक्टर स्पेशल वेक्टर है, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ये जो इसका डायरेक्शन पहले था वही इसका डायरेक्शन बाद में भी है। व्हाट अबाउट दिस वन, इसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो गया। सिमिलरली आप इसको घुमा के देख सकते हो कि सारे वेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सो इन शॉर्ट, जब आप एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। बेसिकली दे आर गेटिंग नॉक्ड ऑफ फ्रॉम देयर स्पैन। स्पैन क्या होता है, जैसे ये वेक्टर है, इसका स्पैन है ये पूरा एक्सिस, तो ये इस एक्सिस से हट जा रहा है, और कई बार इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रहा है। हो सकता है स्ट्रेच हो जाए, हो सकता है स्क्विश हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 3 1 1 2, यू कैन सी ये रहा वो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप इसमें अलग अलग वेक्टर्स का बात करो, जैसे कि ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ये वेक्टर देख लो, ये एक स्पेशल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, हाँ बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, इसका भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, इसका भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सो नटशेल में, मेट्रिसेस आर बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जिनको जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर लगाते हो तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सारे पॉइंट्स या जो वेक्टर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। ठीक है, तो एक दो और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपने शायद देखा होगा, ये बहुत फेमस है, 1 0 0 1, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मैट्रिक्स का खासियत क्या है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो कोई चेंज नहीं आता, मतलब सारे वेक्टर्स अपनी ही जगह पर है। यू कैन सी सारे वेक्टर्स अपनी ही जगह पर है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, बट वही अगर आप कोई और मैट्रिक्स ट्राई करो तो ट्रांसफॉर्मेशंस आने लग जाते हैं। तो आई होप आपको इस पॉइंट पे एटलीस्ट इतना समझ में आ गया कि मैट्रिसेस क्या करते हैं। मैट्रिसेस आर बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंजेस लाते हैं, घुमाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, स्क्विश करते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइगन वेक्टर्स। सो आइगन वेक्टर्स आर स्पेशल वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया 3 1 0 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया, और ये यहां पर यू कैन सी कि जैसे कि ये है, ये जो वेक्टर है 1 0, ये एक्चुअली इस नए ट्रांसफॉर्म स्पेस में 3 0 पे चला गया। इन शॉर्ट 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड इसका बढ़ गया, बट डायरेक्शन अभी भी इसका सेम है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये एक स्पेशल वेक्टर है कि बाकी वेक्टर्स की तरह इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ये अपने ही स्पैन पे है अभी भी। हाँ भले इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ये एक्सपैंड कर गया, लेकिन अभी भी इसका डायरेक्शन सेम है, तो इसी को आप आइगन वेक्टर बोलते हो। सो जब आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम
दो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, मतलब जब आप एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करोगे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको दो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि दूसरा आइगन वेक्टर ये है, लाइक सी दिस इज द सेकेंड आइगन वेक्टर, और ये भी 2 टाइम स्केल हो गया है, बट इसका अभी भी जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, एक और ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, 0.5 -1 -1 0.5। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अपने पास हाँ सी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसका स्पैन देखो सेम है, ये अपने ही डायरेक्शन में है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उल्टा होके हाफ हो गया। सी यहाँ पे 1 था तो पहले -1 हुआ, उल्टा हुआ और फिर उसका हाफ हो गया, -0.5, ठीक है। तो इसमें जो स्केलिंग फैक्टर है दैट इज -0.5, ठीक है। और एक और होगा, खोजना पड़ेगा कहाँ पर है, प्रोबेबली दिस वन आई गेस, -1 1 इज स्केल टू -1.5 1.5। तो इन शॉर्ट गाइस, आपका आइगन वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से एटलीस्ट डायरेक्शन के टर्म्स में कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन वही रहता है, बस स्केल चेंज हो जाता है कि वो वेक्टर थोड़ा लंबा हो सकता है या थोड़ा छोटा हो सकता है, या उल्टा घूम के लंबा या छोटा हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर आइगन वैल्यूज, व्हाट आर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर तो समझ में आ गए, जिनका स्पैन चेंज नहीं हो रहा है वो अपने ही डायरेक्शन में है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आइगन वैल्यूज क्या होते हैं कि आइगन वेक्टर कितना स्ट्रेच कर रहा है या श्रिंक कर रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो -1 1 था, ये -1.5 1.5 हो गया, तो यहाँ पे 1.5 का आपका आइगन वैल्यू है, स्ट्रेचिंग फैक्टर है, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला था 3 1 0 2, इस केस में अगर आपको याद होगा तो ये वाला वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर है, बट यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे ये 3 0 है, मतलब ये 3 टाइम स्ट्रेच हुआ, तो इस वेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है दैट इज 3, ठीक है। और आपका एक ये भी था, ये -1 1 -2 2 हो गया, तो इसका आइगन वैल्यू 2 है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज करूँ, तो जब आप मेट्रिसेस अप्लाई करते हो एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर जाता है, मतलब आपके सारे वेक्टर्स यहाँ वहां हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बट आपको दो ऐसे वेक्टर्स मिलेंगे 2D स्पेस में, 3D स्पेस में आपको 3 वेक्टर्स मिलेंगे, 4D स्पेस में 4 वेक्टर्स मिलेंगे, जो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करते, जिनका स्पैन चेंज नहीं होता, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, इन स्पेशल वेक्टर्स को आइगन वेक्टर बोला जाता है। और इनका मैग्नीट्यूड जितने फैक्टर से बढ़ता या घटता है उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स के बारे में एक चीज हमेशा ट्रू रहती है, ए मल्टीप्लाइड बाय वी लैम्डा वी। सो ए यहां पर आपका मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वी आपका आइगन वेक्टर है, लैम्डा आपका आइगन वैल्यू है, और वी आपका ये सेम वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो एक वेक्टर के ऊपर, इस स्पेसिफिक वेक्टर के ऊपर, तो ये एज इफ ऐसा है कि आप इसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये रिलेशनशिप आइगन वैल्यूज के लिए, आइगन वेक्टर्स के लिए हमेशा ट्रू रहता है, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसको अगर आपको रीड करना है तो आप समझ सकते हो कि इस वेक्टर के ऊपर जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो इट्स एज इफ कि आप उसको बस एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके स्केल में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीसीए में क्यों काम आता है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज। इसके लिए आई विल शो यू अ ब्लॉग जो मुझे गूगल करने से मिला। सो यहाँ पर ये टॉपिक है, ये URL मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इट्स अ गुड ब्लॉग, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ अ कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है उसके लिए जो मैट्रिक्स यूज करना था, वहां पे आप लोगों ने
कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज किया है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. सो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो जो मैट्रिक्स है वो कोवेरियंस मैट्रिक्स है. अब उसकी कुछ खासियत है, ठीक है. खासियत क्या है कि यहाँ पे आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो. द कोवेरियंस मैट्रिक्स डिफाइंस बोथ स्प्रेड एंड द ओरिएंटेशन ऑफ आर डेटा, हमने डिस्कस किया. सो इफ वी वुड लाइक टू रिप्रेजेंट द कोवेरियंस मैट्रिक्स विद अ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, वी शुड सिंपली ट्राई टू फाइंड द वेक्टर दैट पॉइंट्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट स्प्रेड ऑफ द डेटा एंड हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स द स्प्रेड इन दिस डायरेक्शन. अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा नीचे जाते हैं, और यहां पर अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ में बस यही लिखा है कि आपको ऐसा यूनिट वेक्टर खोजना है जिससे वेरियंस मैक्सिमाइज हो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. असली पैराग्राफ यहां पर है. इन अदर वर्ड्स द लार्जेस्ट आइगन वेक्टर ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑलवेज पॉइंट्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट वेरियंस ऑफ द डेटा. ये सबसे मेन लाइन है गाइस. यहीं पर वो चीज निकल के आई है कि जब इन लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व किया, जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन था हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को जब इन लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड रेलेक कोशेंट, कुछ हाई लेवल मैथमेटिक्स चीज है, मैंने देखा नहीं है. तो इन लोगों ने रियलाइज किया कि जब आप कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालते हो तो जो सबसे बड़ा आइगन वेक्टर होता है, सबसे बड़ा आइगन वेक्टर मतलब जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा हो, वही आइगन वेक्टर एक्चुअली पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट वेरियंस ऑफ द डेटा. एंड दैट्स इट गाइस. इसीलिए आप कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज निकालते हो, क्योंकि जब आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व किया तो मैथमेटिशियंस ने पाया कि आपको एक्चुअली क्या करना है, आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन डिकम्पोजिशन करना है, मतलब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और जो सबसे बड़ा आइगन वेक्टर है मतलब जिसका आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा है, उस वेक्टर के ऊपर ही वेरियंस सबसे ज्यादा आ रहा था डेटा का, ठीक है. तो इन शॉर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बस इतना करना है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करना है और उसके बाद उसका आइगन डीकम्पोजिशन करके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, और जो सबसे बड़ा आइगन वेक्टर होगा मतलब जिसका सबसे बड़ा आइगन वैल्यू होगा, जिसका स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा होगा, उसी पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर वेरियंस सबसे ज्यादा आएगा. ये यूनिट वेक्टर वही होगा, मतलब आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट वही होगा, वो आइगन वेक्टर, ठीक है. तो आई होप आपको ये पूरी चीज थोड़ी समझ में आई. अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं कि पीसीए को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो गाइज, नाउ आई विल टेल यू कि स्टेप बाय स्टेप पीसीए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक डेटा सेट है जहां पे हमारे पास तीन इनपुट कॉलम्स हैं, F1, F2, F3, ठीक है. और फिर हमारा कुछ टारगेट कॉलम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब हमारा डेटा ओरिजिनली एक 3D स्पेस में लाई कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. इट्स अ 3D स्पेस, राइट. और अब मुझे इसको लोअर डायमेंशन में लेके आना है. सो स्टेप बाय स्टेप आप सबसे पहले क्या करते हो, स्टेप वन होता है कि आप अपने डेटा को मीन से एंटर करते हो. बेसिकली आपके डेटा का जो ओरिजिनल मीन है आप वो निकालते हो, तीनों डायरेक्शन में मीन निकालते हो, और आप उसको हर डेटा पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हो. आपको पता होगा, शायद आपने पहले भी पढ़ा है, मीन सेंटरिंग करने से, मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ बिकॉज 2D में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊंगा. अगर ये आपका डेटा है और इसके ऊपर अगर आप मीन सेंटरिंग करो तो आपका डेटा ऐसा हो जाता है, सेंटर पे आ जाता है. बेसिकली पहले अगर आपका मीन ये था, पहले अगर आपका मीन यहाँ पे था, तो अब आपका मीन जीरो पे आ जाता है. इसको मीन सेंटरिंग बोलते हैं, ठीक है. सो व्हाट यू डू इज, कितने भी डायमेंशन में आपका डेटा है, फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने डेटा को सेंटर पे लेके आते हो, ठीक है. अब ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी पीसीए काम कर सकता है, बट हमेशा देखा गया है कि आपका ये स्टेप करने से आपका पीसीए का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, ठीक है. तो दिस इज स्टेप वन. स्टेप टू में आप क्या करते हो, यू फाइंड द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है. मतलब कि आप ये फाइंड करते हो, हमने लास्ट
डिस्कस किया कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है. यहाँ पे आपका फीचर वन है, यहाँ पे आपका फीचर टू है, यहाँ पे आपका फीचर थ्री है. फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री. आप वेरियंस ऑफ एफ वन निकालते हो, वेरियंस ऑफ एफ टू निकालते हो, वेरियंस ऑफ एफ थ्री निकालते हो. फिर आप को वेरियंस ऑफ एफ वन और एफ टू निकालते हो, को वेरियंस ऑफ एफ थ्री एफ टू निकालते हो, को वेरियंस ऑफ एफ थ्री एफ टू निकालते हो, को वेरियंस ऑफ एफ वन एफ टू निकालते हो, को वेरियंस ऑफ एफ वन एफ थ्री निकालते हो, को वेरियंस ऑफ एफ वन एफ टू निकालते हो. ठीक है, और दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स. आप ये कैलकुलेट करते हो. ठीक है, तो दिस इज स्टेप टू. एक बार आपने कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, अब आपका 50% काम हो गया. और यहाँ पे अब आपको अपना थर्ड और फाइनल स्टेप करना होता है, दैट इज यू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर द कोवेरियंस मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब आपको तीन सेट ऑफ वेक्टर्स मिलेंगे. अगर आप 3D डेटा में हो तो आपको तीन वेक्टर्स मिलेंगे और तीन आइगन वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री. ठीक है, अब वही तीन जो वेक्टर्स हैं वो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जिस भी वेक्टर का आइगन वैल्यू सबसे ज़्यादा है वही आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट वन बनता है. जो सेकंड है वो आपका पीसी टू बनता है, और जो थ्री है वो आपका पीसी थ्री बनता है. अब ये आपके ऊपर है कि आप पीसी वन पीसी टू को मिला करके 2D में जाना चाहते हो, या सिर्फ पीसी वन को पकड़ के 1D में जाना चाहते हो. आपके पास दोनों ऑप्शन हैं. आप 3D से 2D में आ सकते हो, आप 3D से 1D में भी आ सकते हो. और दैट्स इट गाइस, दैट इज हाउ यू डू इट. मतलब हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट या प्रिटी मच यही है स्टेप बाय स्टेप. मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ. स्टेप वन, आप सबसे पहले मीन सेंटरिंग करते हो अपने डेटा का. स्टेप टू, कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करते हो, जो कि बहुत ही ईजी है. आपको इनफैक्ट np.covariance फंक्शन को कॉल कर लेना होता है और आपका काम हो जाता है. और स्टेप थ्री में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, जो अगेन कैलकुलेट करना बहुत ईजी है बिकॉज आपके पास लीनियर अल्जब्रा बोल के एक सब लाइब्रेरी है numpy के अंदर. उसके अंदर आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फंक्शन है. ठीक है, तो आप ये तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो. इनफैक्ट आपको ये कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ इंटरनली scikit-learn खुद कर देगा. बट मैं आपको थोड़ी देर के बाद जो कोड दिखा रहा हूँ उसमें आई एम नॉट गोइंग टू यूज scikit-learn, तो मैं आपको खुद से स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ. तो मैं बस इसीलिए ये रेफरेंसेस आपको दे रहा था. ठीक है, तो दैट्स इट गाइस. अब बस एक लास्ट चीज बच गई कि अब जब आपको आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिल गए, तो आपको आपके सारे पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करके इस 3D स्पेस से इस 2D स्पेस में लेके आना है. वही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. सो नाउ दैट हमारे पास हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, अब बस हमें एक सिंगल काम करना है. हमारा जो पॉइंट्स है सारे के सारे जो ओरिजिनली 3D प्लेन में है, उसको उठा करके हमें अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट करना है. ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारे पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं मान लो, तो 3D से हम 2D में भी आ सकते हैं, 1D में भी आ सकते हैं. पहले मैं आपको 1D का एग्जांपल दूंगा और फिर मैं आपको 2D का एग्जांपल दूंगा. ठीक है, सो अगर हम 1D में आ रहे हैं, मतलब अगर इनिशियली हमारा डेटा सेट ऐसा दिखता था F1, F2, F3 और फिर टारगेट, तो अब ये ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा PC1 एंड टारगेट. ठीक है, मतलब मान लो अगर ओरिजिनली 1000 पॉइंट्स थे हमारे डेटा सेट में, तो शेप होगा 1000x4 क्योंकि 4 कॉलम्स हैं. अब वो हो जाएगा 1000x2, ये चेंज होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ. सो मान लो कि
ये वो डायरेक्शन है PC1, तो मुझे इन सारे पॉइंट्स को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर गिराना है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसका फंडा बहुत सिंपल है। आप बस ये करते हो, यू ट्रांसपोज एज इन वो प्रिंसिपल कंपोनेंट का ट्रांसपोज डॉट आपका पॉइंट, बस आपको ये डॉट प्रोडक्ट करना होता है। सो अगर आपके पास ये जो पूरा डेटा है इसका शेप अगर 1000,3 है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनली 1000 डेटा पॉइंट्स थे और 3 कॉलम्स है क्योंकि 3D में है, और आपका ये जो वेक्टर है ये भी 3D में ही वेक्टर है, तो इसका शेप होगा 1,3, राइट। तो आपको बस क्या करना है, अब ये डॉट प्रोडक्ट करना है बिटवीन दिस एंड दिस, बट इस डॉट प्रोडक्ट को करने के पहले आपको इसको ट्रांसपोज करना है। तो इसको ट्रांसपोज करने से ये 3,1 हो जाता है, और फिर आपको बस 1000,3 मल्टीप्लाइड बाय, नॉट मल्टीप्लाइड बाय, डॉट प्रोडक्ट 3,1 करना है। ये और ये सेम है तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वो ये होगा 1000×1, बेसिकली ये वाला कॉलम आपका बन जाएगा, और ये टारगेट को आप एज इट इज कॉपी कर दोगे एंड योर डेटा सेट इज रेडी, राइट। सिंपल है, मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट को आपको बस क्या करना है, इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करवा देना है, आपको एक सिंगल स्केलर मिल जाएगा, वही स्केलर वैल्यू आपके PC1 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1D के केस में। अब लेट्स से कि हमें 2D के केस में करना है, मतलब मुझे मेरा डेटा 3D में है और उससे मुझे मान लो इस प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट्स को गिराना है, एक 2D प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट्स को गिराना है। तो फिर से सब कुछ सेम है, आपका जो डेटा है उसका शेप ओरिजिनली 1000,3 है, और अब सिंस ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका शेप होगा 2,3, दो वेक्टर्स 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब आपको फिर से इसका यू ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये 3,2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1000,3 है, ये 3 और ये 3 बराबर है, तो इस शेप का आपके पास नया डेटा पॉइंट आ जाएगा, मतलब F1, F2, F3 के बदले PC1, PC2, और ये टारगेट कॉलम आप एज इट इज कॉपी कर दोगे, और ये रहा आपका डेटा सेट। सो नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने डेटा पॉइंट्स को डॉट प्रोडक्ट करना है आपके वेक्टर्स के ट्रांसपोज से, ठीक है, दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना, ये सेम फंडा आप कितने भी हाई डायमेंशनल स्पेस में अप्लाई करो, आपको हमेशा आपके ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ दैट हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें हमें करनी थी, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल कोड के थ्रू समझाता हूँ कि ये स्टेप्स कैसे होंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो गाइज, अब हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए और हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक डेटा सेट यूज करके PCA अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम जहां पर मेरे पास 3D में डेटा है, देर आर 3 कॉलम्स और इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब देर आर लेबल्स 1 और 0। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द डेटा। ये जो पूरा कोड है इससे डरने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है 40 रोज का और 4 कॉलम्स का। लेट मी शो यू दैट। सो यू कैन सी दिस इज द डेटा फ्रेम दैट आई हैव, सी दिस इज द डेटा फ्रेम। सो देर आर 3 फीचर्स, Feature 1, Feature 2, Feature 3, एंड देन आई हैव द टारगेट कॉलम, ठीक है। और अब मेरा टारगेट इज कि मैं इस 3D डेटा को 2D में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि 3D में ये डेटा कैसे है। सो ये जो कोड है दिस इज रिटन इन प्लॉटली, और ये बेसिकली एक 3D प्लॉट क्रिएट करता है। यहाँ पे मैंने अपने तीनों फीचर्स दे दिए, X में Feature 1, Y में Feature 2, Z में Feature 3, और मैंने अपना कलर लेबलिंग भी कर दिया टारगेट के हिसाब से। सो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, यू कैन सी दिस इज द 3D प्लॉट दैट आई हैव गॉट, ठीक है। सो 3D में ये डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, सी इस तरीके से ये डेटा अरेंज्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेस्ट पॉसिबल
दो एक्सेस निकालने हैं 2D में, जिनको यूज करके मैं इस डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाऊँ एक 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, मेरा यही एंड गोल है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने सीखा वो अप्लाई करेंगे. सो जैसे आपको पता है, सबसे पहला स्टेप इज ऑलवेज आप मीन सेंटरिंग करते हो. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल करके मेरे डेटा के ऊपर ये स्केलिंग परफॉर्म किया. ठीक है, स्केलिंग कंप्लीट, स्टेप वन इज डन. नेक्स्ट इज स्टेप टू. स्टेप टू में व्हाट यू डू इज, आप अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करते हो. सो यहाँ पर वही कोड लिखा है कि मैंने np डॉट कॉव फंक्शन को कॉल करके अपने तीनों कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए, और ये रहा गाइज मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स. सो यहाँ पे डायगनल आइटम्स वेरियंसेस हैं तीनों के तीनों कॉलम्स का, और जो नॉन डायगनल आइटम्स हैं वो कोवेरियंस है. तो दिस इज आवर कोवेरियंस मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ कम्स स्टेप थ्री. स्टेप थ्री आपको पता है, स्टेप थ्री में व्हाट यू डू इज यू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज. सो स्टेप थ्री इज फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, सो इस स्टेप में आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट eig. ठीक है, और मैंने अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स पास कर दिया, और उसने पलट के मुझे दो चीजें दी, मेरे आइगन वैल्यूज और मेरे आइगन वेक्टर्स. अब आपको याद रखना है कि अगर आप एक 3D डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको तीन आइगन वेक्टर्स मिलेंगे और तीन ही आइगन वैल्यूज मिलेंगे. सो जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, यू कैन सी दीज आर माई आइगन वैल्यूज 1.35, 0.94, 0.77, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे आइगन वेक्टर्स हैं वो ये रहे. सी, तीन वेक्टर्स 3D स्पेस में. सो ऑब्वियसली आइगन वेक्टर्स का शेप 3x3 होगा, हर वेक्टर का शेप 1x3 है. ठीक है, और ऐसे तीन वेक्टर्स हैं. अब आगे का जो कोड है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, बट इसमें बस मैंने इतना किया है कि मैंने इन तीनों वेक्टर्स को उस स्पेस में प्लॉट करके दिखाया है. सो अगर मैं इस कोड को रन करूं, यू वुड सी कि हमारा ये रहा गाइस, ये तीन हमारे वेक्टर्स हैं. ठीक है, सो इसमें सबसे टॉलेस्ट वेक्टर ये वाला लग रहा है, और सेकेंड वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है. देर इज वन मोर वेक्टर जो पता नहीं किस तरीके से ओरिएंटेड है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, बट या ये दोनों हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनेंगे, PC1 और PC2, टॉप दो आइगन वेक्टर्स. ठीक है, सो मैंने बस वही किया है, मैंने अपने तीनों आइगन वेक्टर्स में से जो टॉप दो आइगन वेक्टर्स हैं वो मैंने फेच कर लिया, और उनको मैं PC बुला रहा हूँ, एज इन मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बुला रहा हूँ. सो ये मेरा फर्स्ट आइगन वेक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.536947, और ये 6501 और 75 वाला सेकेंड है. या ठीक है, सो मैंने अपने टॉप दो आइगन वेक्टर्स उठा लिए. अब बस मुझे क्या करना है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो 40 रोज है मेरे पास, उनको मुझे इस नए 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट करना है. सो अगर पहले मेरे डेटा का शेप 40,3 था, तो अब मेरे डेटा का शेप शुड बी 40,2, क्योंकि अब आप 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आ रहे हो. तो मैंने बस यही किया, मैंने np डॉट डॉट प्रोडक्ट को कॉल किया, और मैंने यहाँ पे अपना पूरा वेक्टर दे दिया, मतलब अपना पूरा डेटा दे दिया, और उसको pc.t से, मतलब अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का जो वेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो इसका शेप इज 40,3, एंड इसका शेप, मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट का ओरिजिनल शेप था 2,3, अब वो 3,2 हो जाएगा. तो दिस वन इज, लेट मी शो यू, मेरा जो डेटा है दैट इज 40,3, और जो मेरा पीसी था, मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो ओरिजिनली 2x3 था, और इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो अब वो 3,2 हो गया. और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती है तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका शेप बाहर वाले दोनों नंबर्स होते हैं. सो यू कैन सी ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने पे मेरे पास 40,2 का एक नया डेटा फ्रेम फॉर्म हो जाएगा. सो मैंने वही डेटा फ्रेम यहाँ पे फॉर्म कर लिया, और जो मेरा टारगेट कॉलम था उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया नए वाले डेटा फ्रेम में, और ये रहा गाइस मेरा नया डेटा फ्रेम. सो PC1, PC2
और ये सेम टारगेट है, जो ऊपर जो टारगेट कॉलम था उसको मैंने एज इट इज यूज कर लिया, ठीक है. 10111 यहाँ पर भी यू विल सी द सेम थिंग, 10111, ठीक है. अब बस लास्ट काम ये है कि मेरे पास ये 2D डेटा है, इसको मुझे बस प्लॉट करके आपको दिखाना है इन दिस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वही मैंने यहाँ पे किया है. और इस कोड को रन करते ही ये रहा गाइस हमारा आउटपुट. सो हमने वो स्नैपशॉट ले लिया हमारे डेटा का, 3D में था 2D में आ गया. सो यू कैन जस्ट गो टू दिस नोटबुक एंड यू कैन क्रॉस चेक कि किस एंगल पे ये स्नैपशॉट लिया गया है, कि इस डेटा से आई डोंट नो कैसे आपने स्नैपशॉट लिया, किस एंगल से स्नैपशॉट लिया कि अब आपके पास ये 2D डेटा आ रहा है, ठीक है. एंड दैट इज हाउ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वर्क्स, ठीक है. नटशेल में यही है, ठीक है. सो आई होप आपको ये पूरा जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वाला वीडियो है ये ठीक से समझ में आया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट लेंगे, एमनिस्ट डेटा सेट, और हम उसके ऊपर पीसी अप्लाई करके चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.